मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, विद इन इंडिया के बाद अब बारी है एक्सपीरियंस इन इंडिया की। देश में पहले एक्सपीरियंस इंडिया सेंटर के फोकस और आगे की रणनीति पर इन्वेस्ट इंडिया की सीईओ और एमडी निवृत्ति राय के साथ बात की हमारे संवाददाता अजय मिश्र ने, आपको सुनवाते हैं। इन्वेस्ट इंडिया ने पहली बार इंडिया एक्सपीरियंस सेंटर का निर्माण किया है। अशोक भूमि में मेरे साथ बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान है सीईओ और एमडी इन्वेस्ट इंडिया की निवृत्ति राय, बहुत धन्यवाद मैम। पहला फोकस, ये पहला एक्सपीरियंस कैसा है और इस बार का फोकस क्या रखा है आपने? तो पहले तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस पूरे जो आप ये देख रहे हैं, जो हम दिखा रहे हैं सब प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज, तो इसको मैं कहना चाहती हूँ एक्सपीरियंस इंडिया 0.1। जब तक हम 1.0 बनेंगे ना, जो जल्दी ही बनेंगे, तब आप देखिएगा कि हम कितनी तरक्की कर चुके होंगे दिखाने के लिए दुनिया को। इसका मतलब आपने वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करके पूरा एक एक्सपीरियंस जोन बनाने का कोशिश किया है। हमें ये भी पता चला है कि जो पंचतत्व होते हैं, 5 senses, उनका भी यहाँ पे आपने डिस्प्ले किया और उसको 5G जैसे बड़ी इमर्जिंग फ्यूचर टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड किया है। बिल्कुल, हमने ना इंसान की इंटेलिजेंस, नॉर्मल मैनुअल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल दोनों का इस्तेमाल किया है। अगर आप उधर उस तरफ देखेंगे तो आपको एक ऐसा शोकेसिंग मिलेगा जहाँ वो कमल की पत्तियों से, कमल की डंडियों से फाइबर बना रहे हैं और फैब्रिक बना रहे हैं। मतलब कितना सस्टेनेबल है, कोई भी डाइज जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑर्गेनिक है। तो हाथ की क्राफ्ट, चाहे आप हमारे शॉल्स देख रहे हैं, चाहे हमारे ये वीगन लेदर, यू नो, दुनिया में आजकल ये जोर चला हुआ है कि जानवरों को मत मारो चमड़ों के लिए। हमारे देश में ऐसा लेदर बन रहा है जिसका आपको एहसास नहीं होगा कि वो लेदर नहीं है, वो वेजिटेबल से बना हुआ लेदर है। तो हम इतना कुछ कर रहे हैं हर एंगल में। मेरा मकसद है कि इन्वेस्ट इंडिया के जरिए हम अपना भारत दिखाएं। एक्सपीरियंस इंडिया का आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेज कहां कहां लेकर के आप जा रही हैं और किस तरह से आप इंडिया स्टोरी को प्रोपेगेट करना चाहेंगी फ्यूचर में? हम एक्सपीरियंस इंडिया दुनिया भर में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि जो देश कल्चरली इतना आगे है, जो स्पिरिचुअली इतना महसूस करता है, वो देश टेक्नोलॉजी में भी कितना आगे है। हम हाथ, हैंडक्राफ्ट से लेकर टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाएंगे। और मेरा ये डिज़ायर है कि हर देश में दिखाएं, और सबसे पहला हमारा पड़ाव होगा डावोस में। बहुत बहुत धन्यवाद मैम बात करने के लिए, और उम्मीद है कि ये जो कहानी है एक्सपीरियंस इंडिया की और नए ऊंचाई पर जाएगी और नए कीर्तिमान छुएगी। बहुत बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए हमसे बात करने के लिए। तो फिलहाल ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इन्वेस्ट इंडिया को पूरी दुनिया तक ले जाने की कोशिश अब शुरू हो चुकी है और आगे अभी बहुत सारे पड़ाव आने बाकी हैं। अजय मिश्र, DD News, यशोभूमि द्वारका, नई दिल्ली।